बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट व्हेन हीटेड विथ मिनरल एसिड यील्ड। कोई भी बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को जब हम मिनरल एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट किसको कहा जाता है। एक्चुअली बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट होती है कि हम किसी भी मतलब जो एक कंपाउंड से दो कंपाउंड्स याद कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों में से किसी भी एक कंपाउंड को अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनती है। अब इस बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को जब हम मिनरल एसिड से या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, इसकी ट्रिक याद कर लें, मिनरल एसिड भी हो सकता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दें, तो एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही होते हैं, तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेकअप हो जाता है, यानी उसके जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमें मिलते हैं। सो इसमें सी ऑप्शन है, स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड, तो ये करेक्ट वन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। फिनॉल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ड्यू टू फिनोक्साइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन और क्लोराइड के जो बॉन्ड्स हैं वो डैश होते हैं और मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होते हैं। अब कार्बन और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बनेगा, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल बनेगा ना वो नॉन पोलर बनेगा, क्योंकि उसकी जो टोटल चार्ज होती है वो जीरो हो जाती है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। हाइड्रोक्साइड इज़ एडेड व्हेन रिएक्शन इज इन। अब ये पूछा जा रहा है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने वाला जो टॉपिक है ना, उसमें से पूछा जा रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन आयन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं, पर जब बेसिक मीडियम होता है ना तब हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इसमें हाइड्रोक्साइड तभी करेंगे जब बेसिक मीडियम होगा, यानी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद एट हाई एल्टीट्यूड्स द पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किससे कम होता है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अब इसमें अकॉर्डिंग टू द बुक आपको चलना है, ठीक है। ये बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, लेकिन इसमें 159 भी करेक्ट है, 158 भी करेक्ट है, 157 भी करेक्ट है, ठीक है। तो तीनों करेक्ट हो सकते हैं, तो इस तरह से ये थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, जो बुक में वैल्यू होगी पंजाब के टेक्स्ट बुक में उसको फॉलो करें। अच्छा, उसके बाद है फॉलिंग वाटर ऑफ अ वाटरफॉल, वाटरफॉल में से पानी गिर रहा है तो उसको क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो इट इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, जैसे पानी का गिरना ये खुद ब खुद है जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ एटम वॉज गिवन बाय डेमोक्राइटस हु वाज़ द ग्रीक फिलोसोफर, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है लंडन फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन फॉर्म्स क्रिस्टल, लंडन फोर्सेज से कौन से क्रिस्टल्स बनते हैं, मॉलिक्यूलर सी क्रिस्टल, सी जो ऑप्शन है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जो स्लोप हम ड्रा करते हैं, जिसमें मतलब एक स्लोप टेंजेंट लाइन निकाली गई हो किसी भी ग्राफ से, और उसकी जो टेंजेंट लाइन है उसको एज ए हाइपोटेन्यूज हम कंसिडर करें और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी सिचुएशन में सेम हो सकता है। सो बी ऑप्शन, यानी एट डिफरेंट पॉइंट ऑन कर्व, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो वो आपको सेम ही मिलेगा, तो ये जो है इसका बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है अगर दो मोल ऑक्टेन के हम 25 मोल्स ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, यानी इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, ऑक्टेन एंड ऑक्सीजन, और उसके मोल्स गिवन है। उसके बाद प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट के मोल गिवन है, वाटर के 18 मोल्स गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स डिटरमाइन करने, तो इसमें कोई बड़ा फार्मूला या कोई भी स्टोचियोमेट्री की फार्मूला यूज़ ना करें आप, इसमें सिंपल मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ जो कि सिंपल लॉजिकल फार्मूला है। आप क्या करेंगे, अब देखिए हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड जो मैस होगा वो प्रोडक्ट साइड मैस के इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड के मैस को डिटरमाइन करेंगे कि रिएक्टेंट साइड कितना मैस है, वो जब टोटल मैस हमें पता चल जाएगा तो प्रोडक्ट साइड वाटर का जो मैस है वो उससे माइनस करेंगे, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैस पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगे, उस मैस में से हम मोल्स निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहीं पर कैलकुलेटर पर हम करते हैं। अब दो मोल्स ऑक्टेन के हैं, ठीक है, 25 मोल ऑक्सीजन के, पहले हम रिएक्टेंट का टोटल मास जो है हम फाइंड करेंगे, तो हमें कैलकुलेटर मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ऑक्टेन के दो मोल्स, तो पहले ऑक्टेन का वन मोल करें, ऑक्टेन में क्या होता है 8 कार्बन होते हैं, तो यहाँ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 कार्बन यानी 12 मल्टीप्लाई 8, तो क्या हो गया 96, ये हो गया कार्बन का मास। इसमें हम क्या, हमें क्या ऐड करना है, हमें हाइड्रोजन का ऐड करना है 18, क्योंकि 18 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, तो ये 114 जो है टोटल ओवरऑल मैस किसका हो रहा है, ऑक्टेन का। अब उसके बाद 25 मोल्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के एक मोल में 32 होता है, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 800। अब 800 में प्लस करना है कितना, 114। अच्छा ये कुछ गलत हो रहा है,
एक मिनट। अच्छा अब इसको हम स्टार्टिंग से करते हैं। टोटल कितने कार्बन होते हैं ऑक्टेन में? 8 कार्बन होते हैं, यानी कितना होना चाहिए, 12 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो गया 96। और इसको फिर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 18 जो हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। अब इसको डबल करना है, क्योंकि दो मोल्स दिए हुए हैं ना, तो इसको डबल मैंने पहले नहीं किया था, लेकिन इसको डबल करना है। अब टू मोल्स, अब ये 228 जो है ये हमें मिला है ऑक्टेन का ओवरऑल मेस। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के 25, तो ऑक्सीजन का 1 मोल होता है 32, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें टोटल मिल गया 800। तो अब इसमें क्या प्लस करना है हमें, 228 जो कि ऑक्टेन का है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 1028। तो मतलब रिएक्टेंट का जो मैस है वो कितना है, 1028। अब हमें प्रोडक्ट साइड देखना है, प्रोडक्ट साइड वाटर का तो हमें दिया हुआ है, तो वाटर के एक मोल में होता है 18 ग्राम, तो 18 और 18 मोल्स दिए हुए हैं, तो 324 हो रहा है। तो अब 1028 में से जो कि हमारा रिएक्टेंट का मैस है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, उसमें से हम 324 जो कि वाटर का मैस है वो हम, अब 704 जो हमें मिल रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल मैस है। अब इस मैस में से हमें मोल्स निकालने, तो गिवन मैस को जब हम मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड करते हैं तो हमें मोल्स मिल जाते हैं। तो ये गिवन मैस है, इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें तो मॉलिक्यूलर मैस कितना होता है, 44 होता है, तो 16 मोल्स हमें मिल रहे हैं। तो 16 ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब 16 ढूंढे इसमें, ये देखें बी ऑप्शन इज द 16 विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं उन सम केसेस में हम ग्राउंड स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट में प्रोमोट करते हैं। या आप याद करें जब आपने किया होगा टॉपिक, तो इसमें हम करते थे कि ग्राउंड की जगह ग्राउंड स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट में रखते थे ताकि हाइब्रिडाइजेशन हम डिटरमाइन कर सकें उसकी। तो उसमें क्या होता है, किस चीज़ में इंक्रीज आता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी याद कर लें, -99 होती है, ठीक है, -99 किलो जूल पर मोल। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है -99 का, सो इसमें डी यानी नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है विच गैस अमंग देम शोज मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर। मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर कौन सी गैस शो करवाती है, वो गैस जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो, और प्रायोरिटी में सबसे कम रिएक्टिविटी हीलियम की होती है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, 2B। 2B जो ग्रुप होता है वो नॉन टिपिकल, उसको नॉन टिपिकल इसलिए कहा जाता है, इसमें कौन से आ जाते हैं, जिंक, कैडमियम और मर्करी। ये नॉन टिपिकल इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कॉमन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना उनसे मुख्तलिफ होती हैं, इस वजह से। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि ये जब तक हम करंट नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाएंगे, तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा, सो इसीलिए वो स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद होने वाला नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सिंपल, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस तो नहीं होगा, सो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब हम बी ऑप्शन देखें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन भी होती है रिडक्शन भी होती है, तो इस वजह से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे हो रही होती है, तो इस वजह से इसको हम बी ऑप्शन कहेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट यूज इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अल्काइल हैलाइड अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगे तो SN2 रिएक्शन होगा बाय मोलिकुलर, अगर अल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट में होंगे तो फिर क्या होगा, SN1 रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे नॉन पोलर है तो ए ऑप्शन SN2 इज द करेक्ट वन। उसके बाद है LDH1 किस चीज़ में बढ़ जाता है, किस डिजीज़ में बढ़ जाता है। LDH1 होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, एक एंजाइम होता है जो हार्ट मसल्स में होता है, ठीक है, कार्डियक मसल्स में होता है, तो ये हार्ट डिसऑर्डर्स में बढ़ जाता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसके बाद है ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्या होता है, ग्लेशियल एसिडिक प्योर होता है जो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, प्योर लिक्विड होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंथैल्पी जब ज़्यादा होगी, एंथैल्पी चेंज ज़्यादा आता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, हायर एंथैल्पी हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद लास्ट वन है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, किस चीज़ से, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अब इसका एक्सप्लेनेशन इसकी है कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और मोशन बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये था आज तक, अब ये जो हमने किया है ये सारा केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है PMC Test 1 का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं फिज़िक्स का पोर्शन स्टार्ट करूँगा, तो वो भी आप वीडियो देख लेना।